अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां भाजपा महिला मोर्चा की रेणु राय ने नेतृत्व में कई कार्यकर्ता भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गईं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास जताते हुए भाजपा की महिला नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की। आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में पूर्व सांसद निर्मल खत्री की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का झंडा देकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। पूर्व सांसद निर्मल खत्री ने बताया कि आज भाजपा की गलत नीतियों से आहत होकर 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर बहुत सी महिलाएं और बेटियां कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई रेणु रॉय ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस सहित दूसरे राजनीतिक दलों की नकल करते हुए संगठन में महिलाओं को नाम मात्र का प्रतिनिधित्व दिया है, दिखावे के लिए महिला मोर्चा का गठन किया है, पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस के तर्ज पर संगठन के हर स्तर पर महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देने की दुहाई भी देती हैं, लेकिन भाजपा का कोई नेता महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर आने के पक्षधर नहीं है। देखिए, कमला नेहरू भवन में जो ये आज का कार्यक्रम है, इसमें हमारी महिला नेत्री रेणु राय जी, जो इसके पहले आरएसएस में भी काम कर चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रही हैं और शहर के शहादतगंज मोहल्ले की रहने वाली हैं, वो आज अपनी तमाम महिलाओं को लेकर के, आप उन सब की उपस्थिति यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और जो उसके पीछे उनका लक्ष्य है, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी ये जान करके कि जो राहुल जी का व्यक्तित्व है, उनकी जो यात्रा है, उस यात्राओं में जिस तरीके से महिलाएं, लड़कियां आगे बढ़ बढ़ के शरीक हो रही हैं, तो और इस देश में जो महिलाओं के प्रति एक असुरक्षा की भावना है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि हमें कांग्रेस के साथ चलना है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो आज यहाँ पर महिलाएं कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं, उससे हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी। भाई अखिलेश यादव जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका विशेष इस बारे में योगदान रहा है, प्रयास रहा है। मैंने रेणु राय जी का अभी स्वागत भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आज तो कुछ ही महिलाएं यहाँ पर हैं, उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में ये संख्या और आगे बढ़ेगी। सुरक्षा, इन सब कारणों से आहत होकर मैं बीजेपी को छोड़ के मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर रही हूँ। वजह मैंने बताया, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की असुरक्षा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके मैं भाजपा की दोहरी नीतियों को लेके मैं बीजेपी छोड़ के मैं लगभग 20 लोगों की महिलाएं मेरे साथ हैं जिनकी संख्या में शामिल हो गई। धन से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगी, मजबूत करने का काम करूंगी, जितनी महिलाएं हो सकी मैं उनको जोड़ने का काम करूंगी।